आज़बल मिनिशाइवरजीम बिस्मिल्लर अल्लाम दोस्तों अंदर की बात लेट नाइट शो में रियाज़ अहमद आपकी ख़िदमत में हाजिर दोस्तों आज प्रोग्राम तो था कि जो अदालती महाज पे जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन पर कोई तबसरा किया जाए लेकिन सपहर के वक्त एक अजीब ड्रामा हुआ और काफ़ी तवील दौरानिए का ये प्रोग्राम था मैं अगर आसान अगर मैं बहुत ही नरम जबान में इस्तेमाल अगर मैं करूँ कोई गुस्ताखी ना हो जाए तो ये प्रोग्राम था एक बहुत ही सोचा समझा हुआ एक वेल well डायरेक्टेड आप कह लें फिर वही ड्रामे का लफ्जी जेन में आता है कि डी जी आई एस पी आर मोहतरम हमारे जो शरीफ साहब हैं आ, बहुत काबिल इज़्ज़त है उन्होंने आगाज़ तो बहुत अच्छा किया कोई जिक्र नहीं किया किसी किस्म का सवाए मुल्क की सरहदी दिफा के लेकिन फिर वो टाउट जो सहाफ़ी बिठाए हुए थे उनसे सवाल कराया और फिर वो डॉक्यूमेंट्री पूरे डेढ़ दो घंटे की वो तैयार थी यानी कि वो बिल्कुल प्लांटेड आ, प्रोग्राम जिस तरह होता है ये उसी तरह ये पकड़ा गया पता नहीं Uh, क्यों हमारे जो ये मकतदर क़वतें हैं ये आवाम इत को इतनी जाहिल अभी तक बेवपूफ क्यों समझती हैं ये एक तरफ तो वो सोशल मीडिया की पावर है उससे खौफजदा हैं अब आप जानते हैं कि हर बंदा जो इसके पास मोबाइल है वो थोड़ी बहुत एडिटिंग प्रोग्रामिंग वो कर लेता है अब आप ये तास देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम मेरा तो मेन हमारा जो फोकस था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये नहीं था लेकिन सवाल हो गया तो जो जवाब देना था अरे भाई जवाब देना था तो डेढ़ घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी आपने तो आपने तो बिल्कुल ऐसे पेश किया है केस जैसे कि के इमरान खान साहब के मुखालिफ सियासतदान भी पेश ना करें और फिर इसमें एक नफ़रत अंगेज टोन जो थी वो बड़ा वाजे तौर पे उभर के सामने आया जो नहायत मायूस कुन थी और इसमें वादे तौर पे महसूस हो रहा था कि वो कट पेस्ट वाला इसमें जो फंक्शन है और जो पीटीआई के रहनुमाओं की को सबाक से हट के गुफ्तु वो सुनाई गई और हमदर्दियां समेटने की कोशिश की गई और सबसे ज्यादा तो सोचना पहलू इसमें यह है कि बिल्कुल सानह मशकी पाकिस्तान के वक्त जिस तरह अवाम की जो अक्सरियत थी जिन्होंने पोलिंग स्टेशन पे जाके अपने रा, हक राय रायदही का इजहार किया तो उसको मानने से इनकार किया था हमारी स्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल उसी टोन में ये हकायक का आ, जो मुंह चुड़ाते हुए कहा गया जी वो तो सिर्फ सात परसेंट लोग हैं बानवे परसेंट तो हट गए हैं भाई आठ फरवरी को क्या हुआ था दो तहाई अक्सरियत आप जिनको इंतजारी कवत कहते हैं उन्होंने साबित किया आवाम ने लेकिन हमने कसम खाई हुई है कि हमने सान हाथ से सबक नहीं सीखना और अपनी ईगो जो है उसका मसाज जो है वो हर जो हुक्मरान है डिक्टेटर है जो ताकतवर है वो अपना एक पैदाइशी हक समझता है मैं इस बात का हमेशा से दायी रहा हूं कि हमें पाक फौज के साथ खड़ा होना है पाक फौज के बगैर हमारी सलामती का तस्वर भी नहीं है और पाक फौज के जो शहदा हैं वो हमारे हीरो हैं अगर हम अपने घरों में सुख चैन से बैठे हैं तो ये पाक फौज की कुर्बानी की वजह से बैठे हैं लेकिन ये पाक फौज को ये किसने हक दिया कि वो नफरत की सियासत पे मबनी तर्ज अमल अपना लें और एक इमरान खान की जो मुखालिफ कौतेतें हैं सियासी तौर पर उनके पलड़े में अपना वजन उनकी जो ओरिजिनल नफरत है उससे भी दस गुना बढ़ा के उसको कॉम के सामने फिर ट्विस्टेड फैक्ट्स की सूरत में इसको पेश किया जाए वाज तौर पे एक डरे हुए इंस्टीट्यूशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अंदर की बात में अगर मैं तजिया करूं बॉडी लैंग्वेज को मैं देखू मैं उनकी वोकेबलरी को देखू फिर जो टाइम स्पेंड किया गया जो मौजूद था मुल्की दफा वो कहीं पीछे रह गया और उसके बाद सिर्फ इमरान खान साहब का बुग्स था और फिर जो अवाम ने हक के राय दी ओ ओ मेजोरिटी के साथ इमरान खान की जमात पी टी आई को दिया उसको इन तमाम के तमाम वोटर्स को इंतशारी ग्रुप में डाल दिया गया और ये बिल्कुल वही तर्ज अमल है जो उन्नीस सौ इकहत्तर में रवा रखा गया था लेकिन यह है कि किसी को कोई एहसास नहीं है दोस्तों और फिर आज के दौर में इससे बुरी मैं कहूंगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेज प्रोग्राम वो नहीं हो सकता और जो सोशल मीडिया से मुख्तर हलकों की जो नाराजगी है खफगी है या, या खौफ मैं तो ये कहूंगा वो बिल्कुल बजा है कि आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई थी कि इसका तियापांचा होना शुरू हो गया और इस बयानिए का तियापांचा शुरू हो गया जिस तरह कट पेस्ट की वॉइस कहीं की वॉइस कहीं जाके मिला दी और इंतहाई बेहूदगी के साथ कोई उसमें भी कोई उस उसमें प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया कि किसी की खदमत ही हासिल कर लेते किसी सोशल मीडिया वाले की खिदमत हासिल कर लेते आ, लेकिन ये कि ये नफ़रतों की दीवार उठाई जा रही है दोस्तों जो कि बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक है पाक पाक फ़ौज का कोई दुश्मन नहीं है खुदा के लिए आ, हमारे जो कारद हैं मैं हाथ बांध के उनसे अर्ज करता रहा हूं कि दो कदम पीछे हट जाएं इस मुल्क की खातर ये जो आप जो आग है उस पर आप जो तेल बल्कि पेट्रोल हाई ऑक्टेन फेंक रहे हैं चेट फ्यूल फेंक रहे हैं ये अल्टीमेटली तमाम के तमाम जो पार्टनर्स है जो किरदार हैं उनको जला के राख कर देगा ये ये थोड़ी थोड़ी सी होश की कोई दुआ करें कोई अपने आप पर कंट्रोल करें ठीक है आपको सदमा है कि आवाम ने जो है वो आठ फरवरी वाले दिन आपके जो तमाम के तमाम मंसूबे थे उन पर पानी फेरा है और आवाम जो है वो बड़े बाशूर आवाम है और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने हक के राय रायदही का इस्तेमाल किया उनको आप इंतशारी ग्रोहों की तरफ धकेलेंगे तो ये नफरत की एक बदतरीन मिसाल है ये ऐसा ही है जैसे आप नफरत की एक दीवार उठा रहे हैं और उस दीवार को आप उठा के आसमान तक ले जाएं तो उसके बाद फिर जो नतीजा होगा वो नहायत खौफनाक होगा मैं एक बार फिर प्रोग्राम का जो अख्ताम इस, इस बात पे करूंगा बल्कि इस नारे पे करूंगा कि पाक फ़ौज जिंदाबाद हम पाक फ़ौज से प्यार करते हैं लेकिन खुदा के लिए चंद लोग जो हैं वो अपनी अदाओं पे खुद गौर करें और वो पिछले सानिहात से कुछ सबक हासिल करें कि अवामी राय को और जो अवामी विल है उसको कुचलने से हमेशा नुकसान होता है और अब भी नुकसान होगा मुझे हसन नसार साहब का वो फिकरा मैं आर्या उधार लेता हूँ जो वो बड़ी दर्दमंदी से कहते हैं कि कीमे की मशीन में आप किसी हराम जानवर का गोश्त डालोगे तो कीमा हराम जानवर का ही निकलेगा वो किसी हलाल जानवर का कीमा नहीं निकलेगा तो खुदा के लिए कीमे की मशीन में ये नफरत का गोश्त और नफरत का जो जो मटेरियल है वो डालना बंद करें और ये एक्सपेक्ट करना कि नफ़रत का मटेरियल एक तरफ डालेंगे तो आगे से मोहब्बत के फूल निकलेंगे ये पॉसिबल नहीं है उम्मीद है आप लोग अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट से आगाह कीजिए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته